हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ये कटोरी का जो पार्ट हम कटिंग करते हैं तो उसका टक्स जो पॉइंट जो है वो कितने पे देना है, कैसे देना है, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है और उसकी लंबाई कितनी रखनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये टक्स पॉइंट जो है वो तो नहीं नापते हम, लेकिन जब हम कटोरी का पार्ट जो है वो निकालने के बाद, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, नए सिलने वाले होते हैं उनसे क्या हो जाता है, थोड़ा कटोरी का जो टक्स पॉइंट होता है वो थोड़ा सा तिरछा आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि वीडियो को आप पूरा देख लो, ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, कटोरी का पार्ट की कटिंग करते हैं, अभी यहाँ पे हमारा ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, इसीलिए हमने कपड़े के साथ इसको ज्वाइन किया है, पूरा यहाँ पे हमने इसको स्टिच किया है। अब जब भी हमारा कटोरी का जो टक्स पॉइंट लेते हैं तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई के ऊपर ये टक्स पॉइंट जो होता है वो डिपेंड रहता है। क्या हो जाता है, कभी कभी जो लंबाई ज़्यादा होती है तो टक्स पॉइंट की लेंथ भी ज़्यादा होती है, लंबाई ब्लाउज़ की कम होती है तो टक्स पॉइंट की लंबाई भी हमारी कम होती है। लेकिन जब भी आप टक्स पॉइंट लगाते हो तो ये जो मेन हमारा जो गले का पॉइंट आता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये कटोरी के साइड का जो पार्ट होता है, जैसे ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये कटोरी के साइड का जो पार्ट होता है हमारा, ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो कटोरी का साइड का जो पार्ट आता है तो यहाँ पे हमारी ये कटोरी जो है वो ज्वाइंट हो जाती है। तो कटोरी जब हमारी ज्वाइंट हो जाती है तब आपको ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट के ऊपर आपका ये टक्स पॉइंट आना चाहिए। जब भी हम यहाँ तक आपको पहले चेक करना है, जहाँ हम इसकी चौड़ाई लेते हैं, टक्स पॉइंट की चौड़ाई लेते हैं और इसकी लंबाई लेते हैं, तो ये जो टक्स पॉइंट आता है तो ये सीधा यहाँ पर आपको इस तरह से ज्वाइंट होना चाहिए, तब आपका जो टक्स पॉइंट है वो परफेक्ट बैठेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ तो ये कैसे करना है। अब देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से इसको, ये पहले हमने मार्किंग किया था टक्स पॉइंट के लिए कटिंग के वक्त, ये देखिए इस तरह से आएगा, अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। अभी टक्स पॉइंट की चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच पे, हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारी लंबाई ज़्यादा है इसीलिए हम 3.25 इंच पे टक्स पॉइंट लगाते हैं, और इसे इस तरह से लेना है। ये जो टक्स पॉइंट है ये हमारा इस तरह से आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो लंबाई होती है कम लंबाई होती है, 12, 12.5, 13, 13.5 इंच तक लंबाई होती है, या 13.5 इंच तक लंबाई होती है, तो यहाँ पे आपको इसकी चौड़ाई जो है वही रखनी है, जैसे 1.5 इंच पे हमारी चौड़ाई आएगी, लेकिन लंबाई जो है वो हमें 2.5 इंच पे लेनी है। लेकिन जब हम ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा लेते हैं, जैसे 14 इंच, 14.5 इंच, 15 इंच लंबाई लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो इसकी लंबाई, टक्स पॉइंट की लंबाई जो है वो आती है हमारी 3.25 इंच पे, और जैसे 15 इंच, 16 इंच, 15 इंच, 16 इंच जब हमारा तैयार हो जाता है तो यहाँ पे हमारे 3 इंच पे ये टक्स पॉइंट की लंबाई आती है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा सिलाई में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमारी लंबाई जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। इतनी ही टक्स पॉइंट की लंबाई लेनी है, जैसे 2.5 इंच पे, 3.25 इंच पे और 3 इंच पे, जो ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं आपको, जैसे चौड़ाई तो एक ही रखनी है, चौड़ाई हमें 1.5 इंच की रखनी है, लंबाई ब्लाउज़ की कितनी हो, 12 इंच हो या 15 इंच हो या 16 इंच हो, कितनी भी लंबाई हो, लेकिन चौड़ाई जो है उतनी रखनी है, और इसकी टक्स पॉइंट की लंबाई हल्की सी बढ़ानी है। जैसे छोटा नाप होगा तो हमारी लंबाई भी कम आती है, तो टक्स पॉइंट की लंबाई भी कम आती है, जैसे 2.5 इंच पे आती है। मीडियम ब्लाउज़ होगा तो 3.25 इंच पे आती है, और लेंथ ज़्यादा होगी ब्लाउज़ की तो यहाँ पे हमारे यहाँ से यहाँ तक हमें 3 इंच लेना है। अभी यहाँ पे हम टक्स पॉइंट लगा के आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपको ये टक्स पॉइंट जो है वो देना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा टक्स जो है इस तरह से आता है, यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट इस तरह से आता है। आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप टक्स पॉइंट जो है उसको कटिंग करेंगे तो भी चलता है। जैसे ये देखिए, ये जो टक्स पॉइंट हम इस तरह से कट करेंगे,
और यहाँ पे हमें, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टक्स जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। जब हम इसकी सिलाई करते हैं, सिलाई करने के बाद भी हमारा ये टक्स पॉइंट जो होता है वो एकदम परफेक्ट आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो टक्स लिया है, लेने के बाद आपको इस तरह से आपको पहले देखना है, ये हमारा यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। अभी स्टिच होने के बाद ये जो टक्स पॉइंट है यहाँ पे आना चाहिए। जैसे इसकी जो लेंथ है, जब हम कटोरी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे सीधा आएगा तो ये कटोरी जो है वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो टक्स है, जो कटोरी का जो टक्स पॉइंट है कैसे लगाना है, लगाने के बाद जैसे हम जैसे यहाँ पे आपका जो टक्स जो है थोड़ा तिरछा आएगा, तिरछा आने के बाद आपका ये टक्स पॉइंट जो है वो टक्स पॉइंट की फिटिंग जो है वो ठीक से नहीं आएगी। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट होता है हमारा इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपका ये टक्स पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से ज्वाइंट करोगे तो यहाँ में हमारा कटोरी जो है एकदम परफेक्ट आएगा। तब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये टक्स जो है वो कैसे लगाना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।